हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू का एक नॉर्मल सब्जी जो आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आलू। यहाँ पे दो बड़े साइज़ का आलू है, यहाँ पे एक छोटा गाजर ले लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हरा मटर ले लिया है। अभी चलिए इसका सब्ज़ी बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी पहले थोड़ा सा काला जीरा। इसमें एकदम ज़्यादा कुछ मसाला ऐड नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा काला जीरा और हरी मिर्च, ये डाल के ही सब्ज़ी बन जाएगा। ये देखिए, काला जीरा मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। अब ये जो हरी मिर्च है इसको मैं स्लिट करके इसमें ऐड कर दूँगी। अब देखिए, इस स्टेज पे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे गाजर और मटर। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर और मैं अब ऐड कर दूंगी मटर। गाजर और मटर जो है इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको पहले ऐड कर देंगे हम। इसको थोड़ा सॉटे कर देते हैं। इसमें थोड़ा नमक डाल के इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक। इसको थोड़ा हम ऐसे मिला लेंगे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसको ढक दिया है। अब थोड़ी देर वेट करूंगी जब तक ये गाजर और मटर थोड़ा नरम हो जाए, फिर मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। थोड़ा टाइम हो गया है इसलिए मैं एक बार इसका ढक्कन निकाल के देख लेती हूँ। ये थोड़ा नरम हो गया है, अब इसमें हम आलू ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने आलू ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करके फिर से इसको सॉटे करके पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सॉटे कर लेते हैं। इसको पूरा अच्छे से चला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत करिए, इसको ऐसे सूखा ही बनाना है। अब मैं इसको ढक के फिर से पकने के लिए छोड़ूंगी। ये थोड़ी देर तक पक गया था, अब मैंने इसका ढक्कन खोल के थोड़ा मैं इसको चला लेती हूँ। अगर किसी भी कारण ये नीचे चिपका हुआ है तो आप इसको थोड़ा चला लीजिए, फिर से ढकने के लिए, मतलब ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये थोड़ा टाइम हो गया था तो मैंने एक बार इसका जो लीड है उसको खोल के मैं देख रही हूँ कि ये कितना तक पका है। ये देखिए, आलू जैसे ऑलमोस्ट पक चुका है। गाजर भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, गाजर भी पक गया है। तो इसको और ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, थोड़ा 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद निकालेंगे। तो देखिए, इसमें हमारा ज़्यादा कुछ मसाला लगता ही नहीं है। ये देखिए, अब जो ये सब्जी है ये बन चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको निकालेंगे प्लेट में। अच्छे से पक गया है, इसमें एकदम पानी की ज़रूरत नहीं होता। जो आप नमक ऐड कर रहे हैं उसी नमक में ये पक जाता है सब्जी। ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है। तो ऐसे आप एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट, ओनली 2 या 3 इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं ऐसे आलू का सब्ज़ी। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में मेंशन करिए कि आपको रेसिपी कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।